जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो लोग शुरू से आ रहे हैं थ्योरी क्लास में, थ्योरी क्लास नंबर कौन सा? क्लास नंबर 6 है। लिखते हो आप लोग? लिखते हो ना? हाँ जी, आपसे ना हम लोग क्या करा करेंगे, क्लास नंबर और डेट लिखा करेंगे। बताओ तारीख क्या आज? 20 अगस्त। ये मैं क्यों लिखूंगा, उसका कारण है, अगर मुझे चेक करना हो कि कोई बच्चा क्लास नंबर 6 में आया था या नहीं, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग खोल के हम चेक करेंगे। हम लोगों ने इस में एक थ्योरी चैप्टर चल रहा था हमारा, फाइनेंशियल सर्विसेज। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बेटा कि फाइनेंशियल सर्विसेज को बेसिकली क्या होती है, ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आर देयर, मीनिंग पढ़ा हमने इसका, इसके फीचर्स पढ़े आपने कि कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए इसमें, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ी हमने, और फिर हमने एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ा। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज वेंचर कैपिटल, बातें नहीं, एक मैंने आपको पढ़ाया लीजिंग, एक आप लोगों ने पढ़ा अबाउट हायर परचेज, फिर आप लोगों को पढ़ाया गया डेट सिक्योरिटाइजेशन, वेंचर कैपिटल, लीजिंग, हायर परचेज, डेट सिक्योरिटाइजेशन, और भी कोई पढ़ाया था, और डिपॉजिटरी सिस्टम मैंने कहा था खुद करना है आपने, करा नहीं होगा आपने। करा नहीं करा, एक मैंने आपसे कहा था डिपॉजिट सिस्टम आप खुद करेंगे, और एक मर्चेंट बैंकिंग पढ़ा आपने, दोनों में से कुछ नहीं होगा, बिजी बहुत है आप, नहीं। चलो सर, आज की क्लास में हम सबसे पहले कवर करेंगे लोन सिंडिकेशन, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रिज फाइनेंस, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा पैकिंग क्रेडिट्स, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरफेटिंग, एक हम आज पढ़ेंगे फैक्टरिंग। ये है हमारी आज की क्लास, और हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी ओवर। ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज, हमने ये सारे टॉपिक्स आज हम इसको पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक है आज के सारे ही।
चलिए, सबसे पहले वर्ड आ रहा है बच्चे लोन सिंडिकेशन। हाँ जी, शब्द क्या आ रहा है? लोन सिंडिकेशन। देखिए, सिंडिकेशन वर्ड जो आया, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप। कंसोर्टियम, सिंडिकेट का मतलब होता है पार्टनरशिप, कंसोर्टियम। व्हाट इज लोन सिंडिकेशन, आइए इसको समझते हैं जरा। ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच फाइनेंसेस को रेज किया जाता है फ्रॉम ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन सिंडिकेशन एक तरीका होता है वेयर बाय अगर आप चाहो तो क्या रेस कर सकते हो, फंड्स को। और अक्सर देखा गया है कि इसमें जब फंड्स को रेस किया जाता है तो वो रेस किया जाता है फ्रॉम ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, आइए समझते हैं क्या मतलब। मान लेते हैं ये है एक कंपनी जिसे लोन चाहिए, तो ये बन गई एप्लीकेंट। क्या बन गई ये? एप्लीकेंट। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसे लोन चाहिए होता है उसको सबसे पहला काम क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज करना होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। फिर अप्रेजल के बेसिस पर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी होती है। अप्रेजल के बेसिस पर आपको क्या बनानी है बेटा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम एक लोन एप्लीकेशन बनाते हैं। जिसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अटैच किया जाता है। एप्लीकेंट को पैसा चाहिए, जिसे भी पैसा चाहिए पहले वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए उसका अप्रेजल करेगा। उस अप्रेजल का एक समराइज्ड रिपोर्ट बनेगा जिसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। That project report, along with your loan application, आप करेंगे submit। ये जो loan application होती है ना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है बनानी। तो कई बार क्या होता है, applicant ये loan application कैसे बनती है इसके लिए merchant banker के पास चला जाता है। हाँ जी, किसके पास जाता है वो? मर्चेंट बैंकर। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ जी, कितना चाहिए? 100 करोड़ चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो
तो ये इस एप्लीकेशन को अलोंग विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी किसी भी एक लीड बैंकर को, लीड बैंकर। सर जरूरी नहीं है कि आप किसी बैंकर को ही सबमिट करो, अगर आप चाहो तो मर्चेंट बैंकर को भी दे सकते हो, फिर मर्चेंट बैंकर आपकी उस एप्लीकेशन के बेसिस पर इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है टू द वेरियस अदर बैंक्स। देखो क्योंकि इसका फंड बहुत बड़ा है तो कोई एक बैंक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये लीड बैंकर क्या करता है, अलग अलग बैंकर्स के पास ये एप्लीकेशन की कॉपी विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करा देता है, ए बी सी डी, ये चार बैंक्स के पास सबमिट हो गई। फिर वो क्या करता है, इन सभी लीड बैंकर, इन सभी बैंकर से एक कमिटमेंट ले लेगा। हाँ जी, क्या ले लेगा, एक कमिटमेंट ले लेगा कि कौन सा वाला बैंक इस आदमी को इस प्रोजेक्ट पर कितना फंड कर सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद जब कमिटमेंट ले ली जाती है, हाँ जी, जब कमिटमेंट ले ली जाती है तो लीड बैंकर जो है वो एक फाइनल प्रपोजल बनाएगा, ग्रांट नहीं कर रहा, वो प्रपोजल बनाएगा। और वो प्रपोजल जो बना उसे हैंडओवर किया जाएगा किसको, एप्लीकेंट को। जरा लोन सिंडिकेशन निकालो, मैं एक शब्द दिखाता हूं आपको, लोन सिंडिकेशन का जरा टॉपिक निकालो, एक वर्ड पढ़ाता हूं आपको, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे पेज नंबर 38 पे, क्या लिखा हुआ पेज 38 पे, चौथा पॉइंट, इश्यू ऑफ सैंक्शन लेटर ऑफ इंटेंट, इसको बोलते हैं प्रपोजल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट। सर लेटर ऑफ इंटेंट होता है इंटेंशंस ऑफ द बैंक इन रिटर्न टू द एप्लीकेंट, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट्स एन ऑफर। लेटर ऑफ इंटेंट मतलब वी आर ऑफरिंग यू दिस, क्या इन्होंने दे दिया, लोन एक्सेप्ट कर लिया या अपना इंटेंशन दे दिया। तो याद रखना, लेटर ऑफ इंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज सिंपली एन ऑफर। मेरा क्वेश्चन, एक्सेप्ट तो किसको करना है, एप्लीकेंट को करना। भाई हो सकता है कि आप ये कहो कि ये जो लोन है ये महंगा है और आप मना कर दो, हो सकता है कि इस लेटर ऑफ इंटेंट में कुछ ऐसे कंडीशंस हो जो आपको ठीक ना लगे तो भी आप मना कर दोगे। तो अब ये एप्लीकेंट क्या करेगा, इस लेटर ऑफ इंटेंट को जो कि इशूड किया गया है by the lead banker after taking commitments from the various banks, board of directors में रखा जाएगा। अगर तो board of directors इसे accept कर ले तो ये acceptance हो गया, अगर board of directors इसे accept तो ये reject हो गया। तो आपके पास दोनों choices हैं, पहला लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि हमने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट।
जैसे ही एक्सेप्ट किया, आपने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया, क्या ये बाइंडिंग अग्रीमेंट बन गया? बोलो जी। तब क्या इस अग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड ये तो कंफर्म हो गया कि पैसा आएगा? हेलो बेटा, आपको कहानी समझ आ रही है? क्या पढ़ रहे हो आप? लोन सिंडिकेशन। अब सवाल ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या एक्सेप्टेंस के बाद लीड बैंकर इन सब को इन्फॉर्म कर देगा? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, डिसबर्सल क्या उसी समय हो जाएगा? सर गाड़ी का लोन भी अगर आप लेते हो ना, तो डिसबर्सल में 4 दिन लग जाते हैं, जबकि वो मल्टीपल बैंक से ले रहे हैं, एक ही बैंक से, वो फॉर्मेलिटीज ही पूरी करते रह जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट कम है, ये कम है, वो कम है, साइन रह गया, चेकबुक कहाँ है, मैं आ रहा हूँ, तुम आ जाओ, ये चलता रहता है। अब मान लो किसी को अपनी बीवी को गिफ्ट देना है, आज ही गाड़ी गिफ्ट देनी है, कहाँ से दोगे? बर्थडे तो निकल जाएगा, जल्दी बोलो। मेरे को ना एक छोटी गाड़ी खरीदनी थी, तो 4 दिन पहले ना मैंने अपनी, मैं सोचा चलाने से मैं नहीं है, तो मेरे को लगा मेरी वाइफ को ना गिफ्ट दे, खुश हो जाएगी, चाबी वापस मेरे पास। तो अब 4 दिन पहले कुछ था, तो मुझे लगा मैं उसी दिन देता हूँ, तो नहीं तो कुछ और देना पड़ेगा, उसके पैसे बच जाएंगे। प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड था, तो मैंने गया दी, मैं उसको फोन किया गाड़ी वाले को कि भैया ग्रैंड आइटन का क्या है प्राइस वाइज, फोन पे ही बार्गेनिंग करी, यहाँ से लड़का भेजा बुकिंग के लिए, 6,000 में भेज दिया मैंने, फोन पे बार्गेनिंग हुई। तो कहता लोन का कैसे करना है, मैंने कहा यार वो आप अपने आप कराओ, मैंने कहा लेकिन चाहिए मेरे को आज, तो 10:30 बजे का टाइम था, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं बैठा हुआ था, तो वो फटाफट सारे शुरू हो गए, भाई साहब कैसे करना है, मैंने कहा भाई आज 6 बजे तक अगर गाड़ी मिली तो ठीक, नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं, फिर तो बेकार हो गया ना, फिर तो मेरे को खर्चे हो गए मेरे, तो लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। 4:30 बजे मुझे फोन आया, आपका डीओ साइन हो गया, बस लेटर आनी है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, 6 बजे तक गाड़ी दे दोगे तो ठीक है, नहीं लूंगा नहीं। ओहो, लगे रहे बेचारे। 7 बजे बैंक का मैनेजर घर गया उस दिन, गई इनफैक्ट लड़की है, 7 बजे तक बेचारी पूरी जोर लगा दिया उसने कि डीओ आ जाए, नहीं आया, फॉर्मेलिटीज इतनी होती है। 7 बजे को मुझे फोन करके बोलते, कहते सब चीज से जाना, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने क्या, कहते नहीं देने गिफ्ट, मैंने क्या ये क्या हुई, देनी है, कहते क्यों, मैडम का बर्थडे तो जनवरी में आता है। मैंने कहा फिर आप एक दिन डिले कर लोगे ना, मैंने कहा सीधा होता हुआ नहीं, हुआ नहीं, कहते हो गया सब कुछ, डीओ साइन होके आने में टाइम लगेगा, जिसने साइन करना है वो मैनेजर सीट पे नहीं था, इसलिए नहीं, इन शॉर्ट क्या डिसबर्सल में टाइम लग गया? बोलो, यानी कि एक्सेप्टेंस और डिसबर्सल में गैप आ जाता है, और इन सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा गैप आ जाता होगा, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा छोटा सा फाइनेंस है, लेकिन यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, 100 करोड़ की। क्या डिसबर्सल विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? यस, इट विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी बोलो। अब यहां पर अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले लेता है, मान लो लेट्स से इतना लॉन्ग हो जाता है कि कई कई बार महीना हो जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट है मेरे हाथ में, सैंक्शन लेटर है, सब कुछ हो गया है, लेकिन पैसा नहीं आया, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या द डेट व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड एंड द डेट व्हेन इट इज डिसबर्स टू यू, क्या इसमें टाइम लैग आ सकता है? तो जब इस प्रकार के टाइम लैग्स आ जाते हैं, तो फिर
हम शॉर्ट टर्म फंडिंग रेज कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिज का काम क्या होता है? गैप को मेंड करना। व्हाट इज ब्रिज? एनीथिंग विच मेंड गैप बिटवीन टू थिंग्स। अब यहां पे वो दो चीजें कौन सी है जिनमें गैप आ रहा है? द डेट व्हेन लोन वाज सैंक्शन एंड द लोन वाज डिसबर्स्ड। क्या इसमें गैप आ गया या नहीं? अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये गैप ही अगर आ जाता है, मान लो अगर ये गैप आ जाता है, तो क्या अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लोन डाइल्यूट कर गया? भाई मान लो मुझे पैसा तो आज चाहिए था, और अगर बैंक मुझे एक महीने के बाद देगा, तो क्या मेरा प्रोजेक्ट का पर्पस डाइल्यूट कर रहा है या नहीं? तो फिर उसमें इमरजेंसी पे बैंक आपको क्या इशू कर देगा? ब्रिज फाइनेंस। वो कहेगा ओके फाइन, हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लेटर इज ऑलरेडी सैंक्शन टू यू, सिर्फ अब फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, तो एक महीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए आप रेज कर सकते हो एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एज एन, बट दैट अमाउंट हैज टू बी रीपेड इमीडिएटली, द चेक विल बी हैंडेड ओवर टू यू बाय द बैंक्स। सो ब्रिज फाइनेंस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है या फिर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। ब्रिज लंबे हो भी नहीं सकते ना, ब्रिज लंबे हो गए तो उसमें लचक आ जाएगी, तो ब्रिज फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते, उसमें शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए। बोलो। सुल्तान कह रहा है खंभे लगा देंगे नीचे, लचकेगा नहीं सुल्तान, तो भी गड़बड़ होती है। नहीं समझ आया ना? हम पढ़ क्या रहे थे, हम कहां चले गए? तो ये दोनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ते हैं। तमीज यही कहती है, बुक में चाहे अलग अलग जगह पे लिखा हो, लेकिन पढ़ते हमेशा एक साथ, ठीक है? क्या अगर कोई आज आपसे नीचे जाके पूछे बता लोन सिंडिकेशन क्या है, तो बता पाओगे? बता पाओगे? आ जाओ एक बारी पढ़ के देखे। पढ़े बेटा, चलो पेज 37, प्रश्न नंबर 7, पेज 37, प्रश्न नंबर 7। लोन सिंडिकेशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग कमिटमेंट फॉर टर्म लोन्स। टर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, इसका मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग हटा दिया, टर्म लोन बना दिया इसको। क्या बोल दिया? टर्म लोन्स। लोन सिंडिकेशन इन्वॉल्व करता है ऑब्टेनिंग कमिटमेंट फॉर टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स विद एन इंटेंट टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, क्यों पैसा ले रहे हो आप? क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट की क्या करनी है? फाइनेंसिंग करनी है। बेसिकली ये एक सर्विस है जो मर्चेंट बैंकर भी देता है इन अरेंजिंग एंड प्रोक्योरिंग क्रेडिट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मर्चेंट बैंकर पैसा नहीं देगा, वो ये सारा प्रोसेस कहेगा कि भैया मैं देख लूंगा, मुझे इतना पैसा दे देना बीच में। वो सीधा बोलेगा 100 करोड़ चाहिए, मैं आपको 100 करोड़ दिला दूंगा विद इन 1.5 मंथ, आप मेरे को मेरी 50 लाख फीस दे देना। मुझे बताओ क्या सारी पेन मर्चेंट बैंकर की होगी? हमें कोई मतलब ही नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, किसका साइन लेना है, मर्चेंट बैंकर देखेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो पैसा आ जाएगा आज से ठीक 1.5 महीने बाद, और हमें 50 लाख देना है उसको। समझ आ गया? डेढ़ महीने के बाद, अब समझो ना मेरे पॉइंट को। देखो मर्चेंट बैंकर जब ये बोलता है, तो क्या आपको लगता है कि वो गारंटर बन गया? मतलब वो नहीं देगा तो तुम उसको सूली भिजवा दोगे क्या?
वो तो कह रहा है 50 लाख मेरे को देना ही कब, जब आ जाएंगे पैसे। मैं तो कोशिश ही करूंगा ना, देना तो बैंकों ने, अब तेरी प्रोफाइल ही गंदी है, मर्चेंट बैंकर क्या करेगा भाई। मर्चेंट बैंकर कमीशन तभी लेता है जब वो काम कर देता है, अब काम नहीं कर पाएगा तो नहीं लेगा। नहीं समझ आया? कई तो खोए होते हैं। मुझे कोई नहीं देख रहा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर खोया हुआ है, टांग देख रही है अपनी, मतलब मोर देखता है अपने टांग। मोर देखता है अपने टांगों को और वो देख देख के रोता है क्योंकि उसकी टांग ही गंदी है। पढ़ा जरा कमाल, मैं बोल रहा हूं मुझे आप, अच्छा जब मैं बोल के ऐसे ऐसे देख देख के पढ़ा रहा हूं तो मुंह नीचे कर लेते हो, जब मैं नीचे बढ़ो तो मुझे देखते हो, ये बड़ा अजीब सा है, मतलब कोऑर्डिनेशन इतना गंदा है ना। जैसे अब मैं नीचे नहीं देख रहा था, मैं बोल रहा हूँ, अब ये नीचे मुँह कर लेंगे, बोलते रहो, कुछ सत्संग तो ना चल रहा है भाई। जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो आप भी नीचे देखोगे, जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम मुझे देखोगे, सीधा सीधा हिसाब है, यहाँ उल्टा ही चल रहा होता है। अब मैं नीचे पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे सबको, अब तब बुक देखो, देखो अब basically it refers to the services rendered by the merchant banker in arranging and procuring credit from financial institutions, banks and other lending and investment organizations or financing the client project cost or working capital requirement. In a service, it is a project finance service. मैंने आज आपसे पहले कहा कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियल सर्विस का ही पार्ट है। सबको क्लियर हो गया जी? चलिए अब इसके अंदर उन्होंने एक स्टेप्स बनाए हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोन सिंडिकेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, वेयर बोरोवर डायरेक्टली सबमिट कर सकता है लोन एप्लीकेशन टू द लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन for a particular industry, the loan syndication gets automatically arranged through lead institution who on his own would like the other financial institution to participate in the financial assistance to the borrower. In this case, borrower need not to approach to the different financial institution. क्या समझ आ गया नहीं? आपको सारे बैंकों से कोई मतलब नहीं है, आप किसी एक बैंक को लीड बैंकर बनाओ, वहां जाओ, उसको दे दो, उसको बोलो भाई ऐसा है, अब तू अरेंज करके दे दे। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि बोरोवर एंगेज करता है किसको फॉर अरेंजिंग द लोन सिंडिकेशन, देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर टू अप्रोच टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिफोर मेकिंग फॉर्मल एप्लीकेशन टू एसर्टेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग लोन फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑन गेटिंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मर्चेंट बैंकर सबमिट कर देता है एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन फॉर्म टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The merchant banker also makes in-depth study of the investment proposals before taking the project for loan syndication. So the process involves like this. Pehle you need to prepare the project details. Then you need to prepare the application. Then you need to select the institution for the purposes of syndication. Phir wo log issue karenge sanction letter of intent. Compliance ki jayengi terms and conditions for the availment of the loans. Documentation kiya jayega. एंड आखिरी में डिसबर्समेंट कर दी जाएगी लोन की। क्या समझ आ गया? ठीक है। द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स द बोरोवर टू सबमिट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द लोन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्हिच इज थॉरली स्क्रूटनाइज्ड बाय देम इन इंडिविजुअल लेवल एंड डिस्कस्ड इन द इंटर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स। असली क्या होता है, वी आर राइट नाउ ऑन द थर्ड फ्लोर, आप इस फ्लोर के नीचे जाएंगे, यू विल सी वन कंपनी इज देयर एंड दैट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज बेस्ड ऑन ड्यू डिलिजेंस। इनका काम इज ओनली ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब ये कंपनी क्या करती है, जो हमारे बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर है, जितने भी बैंक्स हैं
वो लोन देने से पहले ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं उस व्यक्ति की जिसको उन्होंने लोन देना है। तो वो जितनी भी फाइल्स बैंक्स के पास आती हैं वो सारी फाइल्स इन कंपनीज को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, और ये कंपनी क्या करती है, ड्यू डिलीजेंस के बेसिस पर उन लोगों के घरों में जाकर वेरिफिकेशन करते हैं, फोन कॉल्स में वेरिफिकेशन करते हैं, डिटेल्स मंगवाते हैं, एंड यहाँ से रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट हमारे हिसाब से क्या आ रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बैंक जो है वो डिसीजन लेता है कि मुझे लोन देना है या नहीं देना। क्या मेरा पॉइंट समझ? तो इसको हम बोल रहे हैं स्क्रूटनी। तो बैंक स्क्रूटनी कैसे करता है, वो अलग अलग आउटसोर्सिंग करता है, टेक्निकल वाले को अलग उसने एंगेज करा हुआ है, और जो इसका ड्यू डिलीजेंस करेगा वो अलग देखेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए देखेंगे कौन कौन है, देन दे फाइनली डिसाइड कि हमें इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलिए, आफ्टर द ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑफ द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, द प्रपोजल ऑफ लोन इज बीइंग सबमिटेड टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, एंड इट इज आफ्टर दिस सैंक्शन अ फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट इज इशूड टू द बोरोवर। क्या समझ आ गया जी? The letter of intent is only an offer. Underline करेंगे, it is only an offer for the financial assistance, which may be accepted by the borrower in the board meetings with all necessary terms and conditions appended to it. On complying with the terms and conditions of the loan, the borrower company avails the loan amount in the suitable installment as per the project details submitted and agreed to by the financial institution. Before compliance of all the formalities and before creation of the security, the borrower also avails a bridge loan. हाँ जी, क्या कह रहा है वो? Bridge loan ले लेता है against the sanctioned amount of loan. क्या समझ आ गया जी? Bridge finance क्या है? In this way, it has been said. ये paper में ना line आ गई थी that merchant banker are neither creator of the credit like commercial bank nor they are supplier of the credit like development banks. What they do is that they arrange and procure finance on request of the projects that comes up for the counseling. So ye line aayi paper mein ek bar, puri line likh di unhone aur last mein likh diya comment. Samajh aa rahi hai? So ye line aisi paper mein aayi thi ki comment on this statement. Kya samajh aa gaya comment kya hai? So comment yahi karna hai कि हम लोग पहले इसके अंदर लिखेंगे कहां से, शुरू से ही लिखना है आपने, और एंड में इसको कंक्लूजन में डाल देना। इसका मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट अबाउट लोन सिंडिकेशन, एंड जब सारा लिख दोगे फिर लिखेंगे फ्रॉम अबव इट इज कंक्लूडेड व्हाट वाज रिटन इन द क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट। समझ नहीं आया ना? आगे बढ़ो। दैट इज इन द सीक्वेंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज arrangement of finance comes next to the project counseling, otherwise too after having decided the project to be undertaken, its implementation is a prerequisite for the requirement arrangement of funds that would involve assessing the quantum and nature, locating the various sources, approaching these sources. Matlab samjho, merchant banker ka ye main kaam hota hai, uska kaam paisa dena nahi hai, uska kaam to aapke project ko pehle assess karna hai, fir assessment ke paas क्वांटिफाई करना है कि कितना लोन चाहिए होगा, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कहां से मिल सकता है, फिर अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है। तो दिस इज द वर्क ऑफ मर्चेंट बैंकर व्हिच डू नॉट प्रोवाइड लोन्स टू यू बट व्हिच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लोन टू यू। क्या समझ आ गया है? नहीं, लोन देगा नहीं, वो लोन दिलाने में मदद करेगा। क्या सबको क्लियर है? लेटर ऑफ इंटेंट तो आया है, मना हो गया तो मना हो गया, मर्चेंट बैंकर क्यों इसमें अंडरराइट वो ले लेगा? नहीं, वो अंडरराइट भी नहीं कर सकता यार, वो खुद कैसे देगा? आप समझो ना, 100 करोड़ का लोन मर्चेंट बैंकर कहां से दे देगा? इट इज नॉट अंडरराइटिंग सिचुएशन, वो तो सिर्फ इट्स अ हेल्पिंग हैंड। आई विल मेक योर डॉक्यूमेंट सो स्ट्रॉन्ग दैट यू विल गेट इट। This is what merchant banker is doing. अब जैसे US का वीजा लगाना है,
आजकल बड़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वीजा लगवाने में हेल्प करती है, वीजा को ना दे सकती है। आपको मालूम है यूएस जाने के लिए वीजा अगर तूने अप्लाई कर दिया ना तो वो फ्लॉप हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन का तरीका इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन के बेस पर ही एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसी कंपनीज बनी हुई है जो क्या कहती है कि आप हमारे को फीस दो, हम वीजा मिलेगा ये गारंटी नहीं ले रहे, बट हम आपके डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि एम्बेसी वाले आपसे ज्यादा सवाल पूछेंगे ही नहीं, और वहां पर भी 100% चांस होगा कि आपका वीजा लगे, लेकिन उसमें भी सर पॉसिबिलिटी होती है कि वीजा ना लगे। तो ऐसा तो ना वो फीस नहीं लेगा, वो फीस लेगा और ये तो ना तू भेज के दे, अब तो तू भेजेगा, अब तो तू भेजेगा भाई, कैसे भेज देगा यार, देना तो हम ऐसी नहीं है। So what he is doing, he is helping you to make your document so strong, ताकि जो document की वजह से लोग नहीं जा पाते, at least वो possibility खत्म हो जाएगी। अब भैया US वाले कहते हैं security दो, bank balance दिखाओ, bank balance नहीं है, तो वो तो वहाँ तो cancellation होना ही है। अब वो तो ना कहेगा कि 50 लाख मैं तेरे bank में जमा कराया, तो नहीं समझा। देखो दो चीजें होती हैं, qualification, आपका financial position, और तीसरा आपका documentation। ये तीन चीजें हैं जो तेरे को यूएस का वीजा लगवा सकती है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई कैन एश्योर यू क्वालिफिकेशन तो तेरी रहेगी ना, बोलो, और फाइनेंशियल पोजीशन भी तुम्हारी रहेगी। अब इन दो चीजों की वजह से अगर वीजा नहीं लगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ना। सेम वे मर्चेंट बैंकर भी यही कह रहा है, मर्चेंट बैंकर कह रहा है कि यार मैं तेरी परफॉर्मेंस असेस कर सकता हूं, कितना अमाउंट चाहिए वो बता सकता हूं, कहां से ले सकते हैं वो बता सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। अब भाई तू डिफॉल्टर था पुराने बैंकों में, तो लोन कहां से दे देंगे तेरे को? अब तेरी फाइनेंशियल पोजीशंस गंदी थी, मार्केट का रेपुटेशन गंदा था, उसमें मर्चेंट बैंकर क्या कर लेगा? सो इसका मतलब मर्चेंट बैंकर इज नॉट एश्योरिंग यू कि तुझे, हाँ ही इज एश्योरिंग बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिन लोगों का रिजेक्ट होता है वो वजह तेरी नहीं बनेगी, बाकी वजह तो अभी भी बन सकती है। बोलो नहीं, ऐसे घूरने से क्या होगा, नहीं समझ आया आपको? समझ आया या नहीं? याद रखना रिजेक्शन की वजहें बहुत सारी होती है, उनमें से एक वजह मैं तुम्हारी खत्म कर दूंगा, क्या? जो प्रोजेक्ट को असेस करके सही अमाउंट निकालना, सही वैल्यू निकालना, सही रिपोर्ट बनाना, ये काम मैं तेरे कर दूंगा, उसकी वजह से रिजेक्शन नहीं होगी। लॉक कर दे जी। उम्मीद करता हूं ये हमें समझ आ गया है, जिसका नाम था लोन सिंडिकेशन। चलिए अब मैं तुमको एक चीज दिखलाऊंगा, पेज 161 चैप्टर नंबर 12 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? डिफाइन ब्रिज फाइनेंस। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट लगा के खुद पढ़िए और देखो, फिर आपको मजा आएगा। Sources of Finance, Chapter number 12, प्रश्न number 2।
हाँ जी बेटा, क्या चीज? पढ़ लिया आपने? हाँ जी, देखना जरा एक बार। इट रेफर्स टू मेकिंग फंड्स अवेलेबल बाय अ कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस पेंडिंग रिलीज ऑफ द लोन्स सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल एज अ नेचर of bridge finance is to fill the gap to make immediately the funds available for the business commercial banks and provide this type of finance for short term period the bridge finance assumes demand character matlab demand character ka matlab hota hai dekho do character hote hain ek term character hota hai aur ek demand character hota hai term character hota hai ki uske andar na period fix ho jata hai 6 महीने baad hi lunga main usko bolte hain term character डिमांड कैरेक्टर का मतलब होता है कि बैंक कह रहा है मैं तुझे दे रहा हूं ऐसा मत सोचियो कि भैया 6 महीने तक तू 6 महीने बाउंड है ना जिस दिन पैसा आएगा वी विल डिमांड फ्रॉम यू समझो ना बैंक कह रहा है भैया हम तो रिस्क लेके खेल रहे हैं पता चले तूने हमसे भी 50 करोड़ ले लिया 100 करोड़ वहां से आया वो भी खर्च गया फिर तू बाद में कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है नहीं समझ आया तो इसका कैरेक्टर टर्म कैरेक्टर होगा या डिमांड देखो टर्म में तो टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ जाएगा 6 महीने बाद देना है अब मान लो लोन अगले दिन आ गया तो बैंक कह रहा है तू 6 महीने बाद क्यों देगा भाई दे मुझे तो इसका कैरेक्टर क्या है डिमांड कैरेक्टर है इसका मतलब बैंक आपसे डिमांड कर लेगा द मूवमेंट लोन इज बीइंग डिसबर्स टू यू बैंक विल क्रिएट अ डिमांड कि लाओ वापस करो समझ आ गया या नहीं The bridge finance assumes demand character and is guaranteed by the third person. See, generally, आप मुझे बताओ, although loan is sanctioned, everything is okay, guarantee तो फिर भी लूँगा मैं, immovable property के paper paper रखवा लूँगा मैं तुम्हारे, risk तो ले ही रहा है bank, 50 करोड़ रुपए, कल को पता चले भी sanction आया था, कल को आप loan लेने से मना कर दो, मेरा 50 करोड़ कैसे दोगे आप? आपको मेरा काम तो चल गया जी, bank कह रहा है भाई तेरा चल गया, मेरे को तो दे, वो कह रहा ले ले अब तू, मेरा question क्या यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह रखवा कर ही करनी पड़ेगी या फिर कोई गारंटी ऑफ द थर्ड पर्सन कुछ भी करो द टर्म इज ऑल्सो यूज बाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाइल मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू द बोरोअर कंपनी आउट ऑफ द सैंक्शन अमाउंट पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द वेरियस फॉर्मेलिटीज लाइक साइनिंग ऑफ द लोन एग्रीमेंट बचा हुआ है द अदर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अभी बचे हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी ड्यूली दोज टू दोज कंपनीज who have been sanctioned a loan for the project financing the basic idea is of this fund is to comply the to meet its pressing requirements which are immediate samajh aa gaya nahi bhai aapko immediately paisa chahiye chalo thoda bahut le lo jab loan aayega wapas kar dena usme nahi samajh aaya chaliye hum logo ne bridge finance and loans indication pad liya kya sabko samajh aa gaya ji पैकिंग क्रेडिट एंड फॉरफेटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर का पार्ट है पेज नंबर 170 पे 170 पैकिंग क्रेडिट एंड फॉरफेटिंग दिख रहा है आपको ऊपर देखो आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस दिखेगा देखो फाइनेंशियल सर्विसेज में मांग तो आप पैसा ही रहे हो ना बोलो अगर लोकल के लिए मांग रहे हो तो लोन सिंडिकेशन एक्सपोर्ट के लिए मांग रहे हो तो पैकिंग क्रेडिट और फॉरफिटिंग नहीं समझा अरे है तो हम मांग ही रहे पैसे टर्म्स दे रहे हैं वो उसको अलग अलग अब मान लो पेपर में आ गया पैकिंग क्रेडिट डिफाइन करो बताओ ना पढ़ा हो तो हम तो पता नहीं क्या क्या लिख दें नहीं इन टूडेज वर्ल्ड पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर even more than product so companies put more money on packing rather than on product so they actually require fund only for packing so there are certain financial institutions which provide funds only for packing so we raise the funds and use for packing and thus my packing becomes very beautiful kyun ji
हम तो लिखने में आ जाए भाई साहब कोई रोक नहीं सकता हमारे को. एंड फिर नीचे these types of credit should be promoted because packing is very essential. आप हर लाइन में पैकिंग वर्ड यूज करोगे. आप कहोगे भाई ये मेरी दुखती रहता है तूने छुई कैसे है कि नहीं. तो भाई साहब आप इस पे 3 पेज 4 पेज नंबर देख के, 5 का है ले 1 पेज, 10 का है ले बेटे. अच्छा उसने लिख दिया टाइप्स ऑफ पैकिंग क्रेडिट भी एक्सप्लेन करो. पैकिंग्स आर ऑफ 2 टाइप प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नहीं अब मान लो उसने आ गया भी डिफाइन पैकिंग क्रेडिट एंड इट्स टाइप्स. पहले तो हमने 2 पैराग्राफ में लिखा व्हाट इज पैकिंग क्रेडिट. टाइप्स के अंदर हमने पहले टाइप बतानी है पैकिंग कितने तरह की होती है और हर पैकिंग का एक स्पेशल लोन होता है. दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ पैकिंग क्रेडिट. प्राइमरी पैकिंग क्रेडिट, सेकेंडरी पैकिंग क्रेडिट, देयर आर सम टाइम्स स्पेशल पैकिंग क्रेडिट्स. बच्चे तो कई बार ये भी लिख देते हैं आई वेंट टू अ शॉप टू बाय समथिंग आई वांट टू गेट स्पेशल पैकिंग फॉर दैट आल्सो पैकिंग क्रेडिट्स आर अवेलेबल. हेंस लास्ट में पास कर दिया भाई. और फोन पे जब बाहर जब निकलता है वो कैसा हुआ अटेम्प्ट तो बुरा किया. अटेम्प्ट तो सो का ही घर है भाई. अब उसको ये नहीं पता कि इसके 5 मिलने तो नहीं है लेकिन -5 हो जाने हैं. नहीं मिलने मिलने तो नहीं है तेरे को इसके कुछ भी बट उसको पढ़ने के बाद ना एग्जामिनर ने कहा ना काटो इसके पिछले भी काटो. क्योंकि पिछले भी तुक्के से आए थे. सारे क्वेश्चनों में -1 करो इसका. पागल समझ रहा है. हाँ जी तो व्हाट इज पैकिंग क्रेडिट. मैं आपको बता रहा हूँ मैं आई वॉज इन बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर था मेरा एंड उसमें हिंदी का पेपर होता है जो कि मैंडेटरी था पहले. नहीं हमारे में तो क्या होता था 5+2 होता था. अब जो क्या 7 हो गए मैंडेटरी. पहले क्या होता था 5 मेन 2 सब्सिडरी उसमें एक हिंदी होता था. मैंने 7th क्लास में ना संस्कृत ले ली थी हिंदी पढ़ी नहीं उसके बाद. लेकिन बीकॉम ऑनर्स ने उन्होंने कहा हिंदी मैंडेटरी है ले ली भाई. मैंडेटरी तो ऑप्शन ही नहीं है. तो अब हिंदी का पेपर था. मेरी सिस्टर जो है ना वो हिंदी ऑनर्स करी हुई है सर. तो मैं दीदी के घर चला गया उनके घर. तो मैंने कहा आप पढ़ाओ. तो मैं मम्मी को तो यही बोल के गया मैं पढ़ने जा रहा हूँ. बट उनका घर तो बहुत लेविश था. हम तो बड़े गरीब हुआ करते थे. अब हम वहाँ गए तो वो तो पूरे बंगले में रहते थे. तो मैं दीदी को बोला आप पढ़ाओ. मैं वहाँ पे वीडियो गेम खेल कूद के घूमता रहता सारा दिन. शाम को मेरी दीदी नोट्स बना रही है. कल पेपर है मेरा बीकॉम ऑनर्स. दीदी नोट्स बना रही है. तो मैं सारा कुछ करने का दीदी बन गए. कह रही बैठेगा तभी तो बनेंगे. मैंने कहा आपने बना लिए जीजा जी का टाइम हो रहा है अब तो मैं पढ़ूंगा नहीं दे दो. ऐसे भैया हिंदी का पेपर था. फिर रात तक तो कुछ पढ़ाई नहीं करी. फिर खा पी के घर चला गया. मम्मी कहती पढ़ाया. मैंने कहा हाँ. बैठा ही नहीं था मैं 1 मिनट भी. वो बस उन्होंने जो लिखा था वो मैं ले गया. अब रात को मैंने सोचा भाई इसमें क्या हिंदी में क्या होता है. हिंदी तो हम बोलते हैं. हिंदी का पेपर भी क्या पेपर होता होगा जो हम आम भाषा बोलते हैं. इसमें क्या क्या मेरे को कोई पढ़ाएगा. मेरे से बेटर कौन बोल सकता है. तो मैंने कहा कोई नहीं थोड़ा सा पन्ने वन्ने पढ़ते. मैंने कहा देख लूंगा इसको. थोड़ा पहुंच गया भाई साहब स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे आ गया. उसमें लिख दिया उन्होंने 1500 पॉइंट 1500 शब्दों का ऐसे होना चाहिए. लिख देते हैं वो 1500 शब्द. मैंने बोला स्वतंत्रता दिवस वाली कोई बात है लिख लेंगे. तो मेरे को याद आया कि 5 मिनट में दीदी के पास बैठा था एक्चुअली. तो दीदी ने मेरे को कहा था जब भी कोई निबंध आएगा ना ध्यान रखियो पहले पैराग्राफ में अबाउट दैट लिखना होता है. मैंने कहा हो गया ले ले भाई अबाउट. पहले पैराग्राफ में लिखे स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन भारत आजाद हुआ था ये वो. 5 लाइनों के बाद मैं तो फूक गया. मेरे को 6ठी लाइन नहीं याद आ रही वहां पे. मैंने कहा भाई इतना ही तो होता है अबाउट. अब मैंने शब्द गिने भाई 55. तो मैंने कहा 1500 55 ये तो 100 तक नहीं पहुंचूंगा मैं. फिर मैंने एक पैराग्राफ और थोड़ा सा खींच खाच के प्रधानमंत्री हमारे जो है वो इस दिन जो है लाल किला पे तिरंगा नहराते हैं जो भी लिखना था थोड़ा बहुत और लिख दिया. फिर मैंने कितना बोला 85
1500 अभी मेरे को लगा भाई 1500 तो बहुत ज्यादा होता है। फिर मैंने कहा भाई अब ऐसा है कोई बात नहीं, लिखना तो है ही है। फिर मैंने तीसरा पैराग्राफ लिखना शुरू करा कि भैया ऐसा है इस दिन हम पतंगे उड़ाते हैं, दो दिन पहले ही लोग अपना अपना पतंग और मांजा खरीदना शुरू कर देते हैं। आजकल सुनो आजकल मांजे में कांच वाला मांजा आ रहा है, तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो मांजा हो अगर वो कांच वाला ले तो बच्चों को ग्लव्स पहना के पतंगे उड़वाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये कि पेरेंट्स को जाके एक दिन पहले छत को चेक कर लेना चाहिए कहीं साइड से कुछ टूटा फूटा ना हो। हमने अक्सर ये देखा है कि लोग जब पतंगे वाले दिन होता है लूटने के चक्कर में छत से नीचे गिर जाते हैं। अच्छा इस दिन सुबह सुबह हम सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि सारे परिवार की छुट्टी होती है, सारे बैठ के हम खाना खाते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है जब पूरा परिवार बैठ कर इकट्ठा खाना खाए। अच्छा फिर मैंने गिरे भाई कितने हुए 180, मैंने भाई साहब 1500 तो बड़ा ज़्यादा है। फिर मैंने कहा इस दिन हम नए नए कपड़े पहन लेते हैं, लोगों के घर जाते हैं, मिलते हैं, दिवाली धूली सब मिला दिए मैंने। मैंने कहा आज दे बेटा, अब एंड ऑफ द टाइम लास्ट सुन लो क्या है, नंबर कितने आए मेरे, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग। ये पेपर था सब्सिडरी जिसके नंबर ना कभी मार्कशीट में नहीं लगते थे, वो हमें पता था कि भैया नंबर 5 के ही लगने, 7 के ही लगने, 7 में पास होना जरूरी है, 50 नंबर लाने जरूरी थे। तो जब मेरा रिजल्ट आया ना तो .50 हिंदी में, अब .50 जब आया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई और वो ये कि जिसने भी चेक करा होगा ना उसने यही सोचा होगा कि भाई ये 3 बार और आएगा ना तब भी नहीं सुधरेगा। है सबसी इसको एक ही बार में निकाल दो, दोबारा भी बुला लेंगे, क्या फर्क पड़ जाना है। ऐसे पढ़ के उसको पता चल गया होगा भाई इसकी बड़ी हिंदी कमजोर है, भाई भेजो इसको यहाँ से, क्योंकि ऐसे केसेस में परेशानी लिखने वालों को नहीं होती, लिख तो लेता ही है बंदा। चेक करने वाले को होती है, भाई काम की बात लिख अगले पैराग्राफ, अबे अभी भी नहीं आई। और ये एक्चुअली में ना वो तो बीकॉम थी, मैं तो पहले ही बोलता हूँ उसमें तो बाय डिफॉल्ट है 3 साल बाद ग्रेजुएशन डिग्री आ ही जाती है, यहाँ नहीं आती, यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है बेटा, है ना, तो यहाँ वर्ड टू वर्ड पढ़ के आती है। तो अब पैकिंग क्रेडिट्स क्या होते हैं और फॉरफिटिंग क्या होते हैं, आइए इन दोनों में पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो सुन लो ध्यान से, एक्सपोर्ट से पहले क्रेडिट जो लेते हैं हम वो पैकिंग क्रेडिट होता है, एक्सपोर्ट के बाद जो उधार लेते हैं वो फॉरफिटिंग होता है। तो फॉरफिटिंग के आगे ब्रैकेट में लिखो आफ्टर एक्सपोर्ट्स और पैकिंग क्रेडिट में लिखो बिफोर एक्सपोर्ट्स। अब इन दोनों का ना मैं पर्पस आपको शो कर देता हूं तो आप लोगों को एक्चुअली में समझ आ जाएगा कि इन दोनों का पर्पस ही अलग है। देखो अगर आप मेरे से फॉरफिटिंग का पर्पस पूछोगे ना तो वो कुछ और है और एक कंपनी पैकिंग क्रेडिट क्यों लेती है उसका पर्पस कुछ और है। देखो फॉरफिटिंग में ना जो हमारा पर्पस होता है वो क्या होता है, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए। फॉरफिटर से जो हम पैसा ले रहे हैं ना उसका ऑब्जेक्टिव सुन लो क्या है, इधर देखो सारे, एक तो हम लोग डिफॉल्ट रिस्क खत्म करना चाहते हैं और दूसरा जो हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं वो है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। ये इसे हमें खत्म करना है। सर ये कैसे खत्म हो जाएगी, फॉरफिटिंग से खत्म हो जाती है ये। मैं एग्जांपल देता हूं, सर ये कौन करता है, रिलायंस ऐसी कंपनीज करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी भी करती है लेकिन छोटी तो मांगती है पहले पैसा,
तो वो ज्यादातर कहाँ जाती हैं? पैकिंग क्रेट्स। अब मुझे एक बात, और रिलायंस कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, ठीक है जी, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला और वो था 100 लाख US डॉलर्स का, 100 लाख US डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया। मेरा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी फिगर है, तो अब इसमें क्या होता है, पहले कहानी सुन लो, फॉरफिटिंग का मजा देगा आपको। हुआ ये, रिलायंस कंपनी ने 100 लाख का जब एक्सपोर्ट करने का अग्रीमेंट साइन किया, तो रिलायंस कंपनी ने क्या अपनी टर्म्स ऑफ पेमेंट भी क्लियर करी होंगी? अब मान लो रिलायंस कंपनी कह रही है कि मुझे पेमेंट पहले रिलीज करो, मैं माल दूंगा, वो कह रहा है जी पहले आप माल दे दो, पेमेंट हम रिलीज करेंगे, तो दोनों में एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर ये सेटल कैसे होता है? ये सेटल ऐसे होता है कि रिलायंस कंपनी उसको बोलेगी, ओके फाइन, एक काम करते हैं, आप पेमेंट मत दो, आप यूएस के किसी बैंक से गारंटी दिलवा दो, एलसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, अवल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, अवल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं फाइनेंस में, अवल इंस्ट्रूमेंट। तो रिलायंस उसको कह रहा है, ओके फाइन, मैं तुझे माल भेजूंगा, बट तू मुझे पैसा मत दे, एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे और उसके ऊपर टर्म ऑफ पेमेंट भी लिख देना कि कब तक रिलीज करेगा। तो उस अवल इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया गया कि आई विल रिलीज दिस पेमेंट आफ्टर 1 month, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बैंक इज अंडर ऑब्लिगेटरी, दिस बैंक इज अंडर ऑब्लिगेटरी टू पे यू। बैंक की सील लग गई उस पे, एलसी आ गया मेरे पास, मैंने गुड्स रिलीज कर दी, खत्म हो गई। अब मेरे पास क्या है, पैसा या एलसी? एलसी, पैसा है या एलसी? एलसी है। अब आप मुझे बताओ, यूएस गवर्नमेंट के बैंक ने क्या उसे ऑलरेडी गारंटी दिया? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिफॉल्ट रिस्क तो वैसे ही खत्म हो गया, लेकिन आज भी एक रिस्क प्रिवेल करता है और वो है लिक्विडिटी रिस्क। क्या रिस्क होता है? कई बार कंट्रीज लिक्विडिटी से आउट हो जाती हैं, तो उसमें क्या कर लोगे? क्या ग्रीस लिक्विडिटी क्रंच आ गया था? नहीं समझ आया? तो क्या वहां पे बैंक भी बैंकरप्ट हो जाते हैं? कम ऑन भाई, बैंक ने गारंटी दी, ठीक है, बैंक कोई गवर्नमेंट थोड़ी ना, बैंक भी तो बैंकरप्ट हो सकता है, तो डिफॉल्ट रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक तो अभी भी रह गया। नहीं समझ आया? जो आदमी इंपोर्ट कर रहा था उसका डिफॉल्ट रिस्क तो खत्म हो गया, कैसे? दैट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द बैंक, बट बैंक का डिफॉल्ट रिस्क तो अभी भी रह जाएगा, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, बट स्टिल रिस्क तो है ही है। यस प्लीज। नंबर टू, क्या वो पैसा मुझे आज मिलना है या एक महीने बाद? डॉलर का रेट क्या आफ्टर 1 month मे बी फॉल? डॉलर का रेट मान लो आज चल रहा है 68 रुपए, तो वो 100 लाख × 68 मुझे मिलेगा, और एक महीने के बाद अगर 66 हो गया तो क्या 100 लाख × 66, 2 रुपए per dollar × 100 lakh कर दो, क्या 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ का लॉस हो गया? अगर 2 रुपए भी डॉलर का रेट गिर जाए तो क्या 2 करोड़ का लॉस है या नहीं? नहीं समझ आ रहा? अब रिलायंस इन दो लॉसेस को रोकने के लिए इंडिया में फॉरफेटर बैंक बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? ऐसे बैंक जो आपसे वो इंस्ट्रूमेंट ही खरीद लेंगे और आपको पैसा अपफ्रंट दे देंगे। यानी कि फॉरफेटर क्या करता है, एक्सपोर्टर से क्या खरीद लेता है, वो अवल इंस्ट्रूमेंट खरीद लेता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 लाख डॉलर, और वो बोलेगा ओके फाइन, एक काम करते हैं, आप मुझे 100 लाख डॉलर का इंस्ट्रूमेंट बेच दो फॉर 50 odd dollars, या समझ ना, कोई एक वैल्यू ले लेगा वो, भाई 100 लाख है ना, तो फिगर तो 1 लाख डॉलर तक होनी चाहिए, बोलो। तो बैंक ने कहा ओके फाइन, 1 लाख डॉलर आप मुझे दो, 99 लाख डॉलर की पेमेंट आप मेरे से अभी ले लो, खत्म हो गया। तो क्या 1 लाख डॉलर बैंक की कमीशन आ गई और रिलायंस कंपनी को कितने मिल गए? 99 लाख डॉलर। क्या एक महीने बाद मिले या अपफ्रंट? और याद रखना, इसको हम बोलते हैं नॉन रिकर्स। क्या बोलते हैं? नॉन रिकर्स का मतलब होता है रिलायंस इज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी बैड डेट्स, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द फॉरफेटर। इसका मतलब रिलायंस इज फ्री फ्रॉम एवरी रिस्क।
रिलायंस अपने पैसे लेगा और निकल जाएगा, उसके बाद अगर मान लो बैंक बैंकक्रप्ट हो जाए, कंपनी बैंक कंट्री जो है वो आउट ऑफ लिक्विडिटी हो जाए, व्हाटएवर हैपेंस दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द फॉरफेटर, वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग, मैं पैसा लेके जा रहा हूं, अब तू देख लेना। क्या समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब मुझे बताओ, क्या रिलायंस को दो बेनिफिट हो गए? पहला, जो पैसा कब मिलना था आज आ गया, एंड डिफॉल्ट रिस्क भी एलिमिनेट हो गया। ये है पर्पस ऑफ फॉरफेटिंग। क्या समझ आ गया? फॉरफेटिंग कोई भी आदमी क्यों करता है बेटा, समझ आया? टू एलिमिनेट टू टाइप्स ऑफ रिस्क। तेज की जोर की आवाज मार दो, कौन कौन सी? जे बात है, बात तो जे है। अभी समझ आया नहीं आया? और जो पैकिंग क्रेडिट है ना, उसका तो पर्पस ये है कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, ऑर्डर आ गया, मान लो मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है, बट उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोडक्शन में लाने के लिए पैसा ही नहीं है। तो अब हम बैंक से क्या मांग रहे हैं? पैसा दो, हम प्रोडक्शन करें, माल बेचें, और फिर जब पैसा वो देंगे हम आपको वापस कर देंगे। नहीं समझ आया? तो पैकिंग क्रेडिट में जाने वाले लोग कौन से हैं? जो डिफॉल्ट रिस्क से बाहर आना चाह रहे थे, फ्लक्चुएशन से बाहर आना चाह रहे थे, या जो एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोडक्शन करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। तो पैकिंग क्रेडिट कब मांगोगे आप? एक्सपोर्ट से पहले, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी एक्सपोर्ट नहीं होगी। समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, बोलो। और फॉरफिटिंग कब होगी? एक्सपोर्ट के माल जा चुका है, बोलो, और इंस्ट्रूमेंट भी आ चुका है, बस हम उसे क्या कर लेंगे? डिस्काउंट। तो फॉरफिटिंग कोई अगर पूछे तो एक लाइन में बोलना है आपने, सुनो क्या, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। कोई चलते फिरते पूछ ले तो आपने एक लाइन में क्या बोलना है? इट इज डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। एक्सपोर्ट बिल की डिस्काउंटिंग को फॉरफिटिंग कहते हैं। नहीं समझ आया ना? हाँ, ये वर्ड सिर्फ एक्सपोर्ट फाइनेंस में यूज किए गए, नहीं तो फिर नॉर्मल तो लोन सिंडिकेशन वगैरह है ही। एक्चुअली पैकिंग क्रेडिट ना एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। शॉर्ट टर्म क्यों होता है? बैंक तुझे पैसा देगा, जैसे ही तेरे को पैसा आ जाएगा तुझे वापस करना होगा, ठीक है ना सर? फॉरफेट का मतलब क्या होता है वो सुन लो, टू सरेंडर योर राइट्स। इसको फॉरफेटिंग क्यों बोला गया? वर्ड था फॉरफेट। फॉरफेट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज सरेंडरिंग हिज राइट्स। मुझे बताओ, क्या वो अवल इंस्ट्रूमेंट एलसी आया तो मेरे फेवर में था? तो एलसी ने राइट तो मुझे दिया था। क्या फॉरफेटर मुझे पैसा अगर दे दे तो क्या मैं अपना राइट सरेंडर कर दूंगा? और राइट टू कलेक्ट जो कि अभी तक मेरे पास था, क्या वो फॉरफेटर के पास चला जाएगा? नहीं समझ आया? तो फॉरफेटर का मतलब समझ आया क्या? आपके पास क्या आ जाता है? राइट आ जाता है। वो अपना अपना सबके पास है, यूज करो। हाँ, राइट आ जाता है। कैसे राइट आ जाता है? फॉरफेटर के पास राइट आ जाएगा क्योंकि जिसको आप पैसा दे रहे हो वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश करेगा। बोलो बेटा। तो मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं, आप पहले फॉरफेटिंग पढ़ो और मुझे बताओ कि फॉरफेटिंग में कौन सा शब्द नहीं समझ आ रहा।
पढ़ लिया बेटा आपने? हाँ जी, एलसी इज इशूड बाय बैंक ऑलवेज. एलसी सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है, और वो एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक तरह से गारंटी देते हैं. हाँ, आप ऐसा करना ना, एलसी की डेफिनेशन कस्टम एक्ट में पढ़ो, आप समझ जाओगे. क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? चलिए बोलो बोलो. मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इसमें बैड डेट जो होगा वो फॉरफेटर का ही रहेगा. रिकर्स वर्ड यूज होता है, वेयर बैड डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन केयर ऑफ बाय द फॉरफेटर. सो वी विल नॉट पुट द बैड डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन टू हुम वी हैव पेड द एडवांसेस. सो यहां पे वी हैव पेड टू हुम, हमने किसको पैसा दिया? रिलायंस को. अगर मान लो वो पार्टी जो यूएस में है, अगर वो कल को पैसा नहीं देती है, तो आप बैड डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बी ट्रांसफर टू द रिलायंस, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय होम फॉरफेटर. हाँ जी, सबको क्लियर हो गया ये? हाँ, चलिए अब ना हम पैकिंग क्रेडिट्स पढ़ने जा रहे हैं. एक बार ही जरा पढ़ो पैकिंग क्रेडिट्स के लिए क्या लिखा हुआ है. देखो उसमें एक वर्ड और आ रहा है, प्री शिपमेंट फाइनेंस. आई होप सो यहीं से पता चल जाएगा. प्री शिपमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? शिपमेंट से पहले. पैकिंग क्रेडिट एक एडवांस है विच इज मेड अवेलेबल बाय द बैंक टू एन एक्सपोर्टर. बैंक देगा किसको? एक्सपोर्टर्स को. एन एक्सपोर्टर कौन सा एक्सपोर्टर? हैविंग अ फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिसको पक्का वाला ऑर्डर मिला हुआ है. Placed with him by his foreign buyer under irrevocable LC which is open against in his favor. Irrevocable LC का मतलब होता है कि आपको ये LC issue करने का मतलब है कि एक तरह से guarantee of payment भी assured है. Can approach a bank for availing packing credit. An advance so taken by an exporter is required to be liquidated within 180 days. 6 महीने के लिए maximum मिलेगा. From the date of its commencement by negotiation of export bills या receipt of export proceeds. Thus, packing credit is essentially a short-term advance. Normally, bank insist करते हैं upon their customer to lodge an irrevocable letter of credit opened in the favor of customer by the overseas buyer. The letter of credit and the firm sale contract not only serve as evidence as a definite arrangement for realization of the export proceeds, but also indicate the amount of finance required by the exporter. मुझे बताओ, अगर LC 2 करोड़ का है, तो हमें मालूम है कि इसको fund 2 से ऊपर तो देना ही नहीं. पैकिंग क्रेडिट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. पहला होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट. सर, क्लीन पैकिंग क्रेडिट होता है जहां पर किसी प्रकार की कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती. आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बैंक के साथ, बैंक आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली पैसा दे देगा. समझ आ रही है? कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई हाइपोथिकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. पढ़ के देखो, दिस इज एन एडवांस विच इज मेड अवेलेबल टू एन एक्सपोर्टर ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डर या एलसी विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी चार्ज या कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल. ईच प्रपोजल इज वेटेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड एंड क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द एक्सपोर्टर. पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेजिंग. ईसीजीसी गारंटी में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अपना गारंटी भी दे देता है फॉर गिविंग पैकिंग क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर्स. हाइपोथिकेशन और प्लेजिंग, बताओ दोनों में फर्क क्या होता है? अगर मैंने
बैंक ने प्लेजिंग कर लिया तो फिर पोजेशन भी आ गया, तो बिना मेरी परमिशन माल निकालोगे भी नहीं। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, बुक्स किताबें सिर्फ बुकिश मेरे पास आएगा टाइटल, अदरवाइज फिजिकली वो तुम्हारे पास रहेगा। बोलो जी। लो जी, ये भी हमारा हो गया समाप्त। नहीं समझ आया ना हमारे? अब आ गया एक टॉपिक, फैक्टरिंग। जिन लोगों ने वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया है, क्या फैक्टरिंग मैंने पढ़ा दिया था? तो आप लिख लो, यूनिट 4 में जब हम पढ़ेंगे उसी के साथ पढ़ना है। होती है फाइनेंशियल सर्विस है, लेकिन जब मैं आपको आपका प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ ये मैं साथ में तभी कवर कर देता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको याद है ना, जिन लोगों ने भी पढ़ा था यूनिट 4, मैंने पूरा इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे हमने। हमने ये भी पढ़ा है कि फैक्टरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग क्या होती है, रिकर्स नॉन रिकर्स, एडवांस मैच्योरिटी, डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड। बोलो बेटा। तो ये टॉपिक हम लोग यूनिट 4 के साथ ही कवर करेंगे। अब लिखो जरा टॉपिक, लिखो ऊपर एसपीएन। आता तुम्हें? अच्छा, तो फिर सुना दो। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, बड़ा अच्छा पढ़ते हो, याद रहता तुम्हारी ना। लेकिन आज जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। एसपीएनस क्या होते हैं पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं। चलो बताओ वारंट्स क्या होते हैं। सुल्तान भाई अरेस्ट वारंट आया, मतलब बता। इसी चीज को इंग्लिश में बोल दे। वारंट एक राइट होता है बेटा। वारंट क्या होता है? बस अगर ये राइट ट्रेड हो सकता हो तो ये सिक्योरिटी है। अगर इस राइट की क्या हो सकती हो तो ये क्या बन जाएगा? सिक्योरिटी। बिकॉज सिक्योरिटी इज एनीथिंग विच कैन बी ट्रेडेड। इफ राइट कैन बी ट्रेडेड, राइट बिकम सिक्योरिटी। सो वारंट को आपने क्या पढ़ा है? इट्स अ सिक्योरिटी। हमने तो यही पढ़ा ना, वारंट क्या होता है? सिक्योरिटी। क्यों पढ़ा समझ आया? वैसे वारंट सिक्योरिटी नहीं होता, वारंट एक राइट होता है। क्योंकि इस राइट का क्या होता है? ट्रेड। सो एनीथिंग विच कैन बी ट्रेडेड इज नोन एज सिक्योरिटी। सुल्तान भाई अरेस्ट वारंट क्या सिक्योरिटी है? सो नाउ आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। हर वारंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सिक्योरिटी, ओनली दैट वारंट कैन बी कॉल्ड अ सिक्योरिटी विच कैन बी ट्रेडेड। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए कौन बताएगा? ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। What is call option? Right. We have right. So call option is a security. Because ये भी एक warrant होता है. Call option, put option भी क्या होता है? Warrant होता है. क्योंकि तुम्हारे पास security नहीं होती, तुम्हारे पास right होता है. और क्या वो right market में trade होता है? Yes. तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? Security. नहीं समझ आया? बड़ा मुश्किल है। Very difficult. और सुनाओ कैसे हो सब? बढ़िया हो? बस मैं तो आप लोगों को देख के सही हो जाता है। हाँ, तभी मैं सातवें दिन बुला लेता हूँ। पता है मेरी वाइफ कहती है एक दिन ऑफ करा करो महीने में। मैंने कहा ना, कौन करता है? अच्छा,
میں یہ سارا اپنا بایو ڈیٹا دیتا. یہ ایکچولی میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا اور کسی کے ساتھ نہیں کھاتا. اب فاسٹ ایک بیسٹ وے ہوتا ہے بولنے کا. کیوں سلطان بھائی گور کیوں رہے؟ سچائی بتا دی میں نے. فاسٹ رکھتا ہے تو لڑکی چاہیے سندر کہ پاس ہونے کے لیے رکھتا ہے. تو پھر کیوں رکھتا ہے بھائی؟ پرپس ہوتا ہے ہر چیز کا. ود آؤٹ آبجیکٹو لائف میں کچھ نہیں کرتے ہم. سوموار وہ مار کے رکھ لیں جلدی ہو جائے گا. اب میرا پوائنٹ ذرا دھیان سے سنیے گا. ادھر دیکھو ایس پی این کیا ہے. میں آپ کو نا سمپل بتاتا ہوں. یہ دیکھو یہ نا ایک نوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نوٹ ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہو نا, جیسے پیزا ہٹ میں ہم گئے, پیزا تو سب نے کھایا ہوگا, تو اس کا ایک کوپن کئی بار پیزا ہٹ میں جو وہ جس میں پیکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک کوپن پیسٹ کر کے بیچتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے وہ کوپن؟ اگر آپ پھاڑ لو ایسے نا ایک لائن جا رہی ہوگی ڈاٹڈ اور چھوٹی سی کینچی بنی ہوگی اور اس کے نیچے لکھا ہوگا 100 rupees آف آن نیکسٹ پیزا. ایسا ہوتا ہے؟ منہ کھول دو. اور نیچے لکھا ہوگا ویلڈ اپ ٹو 15 August. اب پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں 15 August تک کبھی بھی پیزا کھانا ہے تو کیا ہم اس کو ڈیٹیچ کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ اور یہ جو آپ نے ڈیٹیچ کرا, کیا یہ پرچی نے تمہیں ایک رائٹ دے دیا 100 rupees ڈسکاؤنٹ لینے کا؟ تو کیا یہ پرچی وارنٹ کہلا سکتی ہے اگر اس کا ٹریڈ ہوتا ہو تو؟ اس کو بولتے ہیں ڈیٹیچبل وارنٹ. کیا بولتے ہیں بیٹا؟ ڈیٹیچبل وارنٹ وہ ہوتا ہے جو سیکیورٹی سے الگ ہو سکتا ہو اور اس کا سیپریٹ ٹریڈ ہو سکتا ہو. اس کا کیا ہو سکتا ہو؟ تو اس کا مطلب کیا اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ دو انسٹرومنٹ بن جائیں گے؟ بتاؤ کون کون سے دو انسٹرومنٹ؟ ایس پی این میں یہ الگ ہو جائے گا اور یہ الگ ہو جائے گا, تو کیا یہ دو سیکیورٹیز بن گئی یا نہیں, جن دونوں کا کیا سیپریٹ میں ٹریڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا نا؟ چلو اب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا شبد یوز کرے ہیں. پڑھو ذرا کیا لکھے. These instruments are issued with detachable warrants. میرے خیال سے شب سمجھ آ گیا ہوگا. ایس پی این کو جب بھی ایشو کیا جاتا ہے تو کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ And are redeemable after notified period ranging from 4 to 7 years. پہلے تو یہاں تک کلیئر ہے. اب میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, یہ جو ڈیٹیچبل وارنٹ ہے اس سے کچھ تو مل پاتا ہوگا ہمیں. تو ڈیٹیچبل وارنٹ دیکھو ہمیں کیا دلائے گا. دا وارنٹ انیبل کر دے گا ہولڈر کو, یعنی کہ جس کے پاس بھی یہ وارنٹ ہوگا اسے یہ انیبل کرے گا کہ وہ لے سکتا ہے کیا ایکویٹی شیئرز, پرووائڈیڈ
SPN are fully paid during lock-in period, fully paid होना चाहिए, and during lock-in period no interest is paid. समझ लो तेरा ध्यान से यहां पे वो क्या कह रहे हैं. एक तो SPN फुली पेड अप होना चाहिए और लॉक इन पीरियड में कंपनी आपको क्या नहीं देगी, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट के बदले में ही तो आपको क्या एक राइट दे रहे हैं या नहीं, और उस राइट को यूज करके तुम इंटरेस्ट ना लेकर क्या ले लो, इक्विटी शेयर ले. तो मेरे पास दो चॉइस है. पहला, या तो मैं इंटरेस्ट ले लूं. अगर मैं इंटरेस्ट ले लूंगा तो उसमें डिटैचेबल वारंट अटैच होगा ही नहीं, और अगर मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ दूं तो डिटैचेबल वारंट आ जाएगा और वो डिटैचेबल वारंट मुझे राइट दे देगा कि मैं कंपनी का क्या ले सकता हूं, इक्विटी शेयर्स. द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू सेल बैक द एसपीएन टू द कंपनी एट पार आफ्टर लॉक इन पीरियड. मान लो इसकी पार वैल्यू 100 रुपए है, अगर मैं चाहूं तो लॉक इन पीरियड के बाद इसी एसपीएन को बेच सकता हूं कंपनी को वापस कितने में, 100 रुपए. मुझे बताओ, मैंने लिया भी 100 का, मैंने दिया भी 100 का, मुझे क्या फायदा हुआ? क्या मुझे वो कूपन मिल गया? वो कूपन ने मुझे राइट दे दिया कि मैं क्या ले सकता हूं, इक्विटी. क्या वो इक्विटी शेयर जो फ्री में मिला, क्या वही मुझे बेनिफिट मिला था? नहीं समझ आया. अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो अगर मैं लॉक इन पीरियड तक रखता हूं तो कंपनी ने मुझे टिल लॉक इन पीरियड इंटरेस्ट तो और उसको कंपनसेट करने के लिए कूपन दे दिया, और लॉक इन पीरियड के बाद मेरे पास राइट है कि मैं कंपनी को वापस देके क्या ले सकता हूं. लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे को लॉक इन के बाद भी रखना है तो क्या लॉक इन के बाद वाले पीरियड का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं समझ. टिल लॉक इन के बदले में क्या मिला, कूपन. आफ्टर लॉक इन अगर मैं रखता हूं तो क्या मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं? तो वो यही कहेगा, हाउएवर अगर वो कीप करता है इट फर्दर, ही इज रीपेड द प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट या प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट एज पर टर्म्स ऑफ इश्यू. क्या पल्ले पड़ गए या नहीं? नहीं समझ आया. टोटल पीरियड है 7 इयर्स, लॉक इन है 4 साल. बताओ क्या मतलब है इसका? 4 साल तक कंपनी आपको इंटरेस्ट बदले में, लेकिन वो कूपन रिडीम 4 साल बाद ही होगा. खत्म हो गई बात. 4 साल के बाद तुम एक काम करो, कूपन भी रिडीम करा लो और अपना पैसा वापस फुली पेड अप वापस ले लो. अगर तुम टिल 7 ईयर रखना चाहते हो तो 3 ईयर मोर, तो वो 3 ईयर का कंपनी विल पे यू व्हाट, और रिडम्पशन पे हो सकता है कि कंपनी आपको प्रीमियम भी दे दे. क्या सबको क्लियर है? द कन्वर्जन ऑफ डिटैचेबल वारंट इनटू इक्विटी हैज टू बी डन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. दैट उसके लिए एक टाइम लिमिट देंगे वो लोग. समझ आ गया? This is called SPN. ये पेपर में 2 बार आ चुका है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना. हम एक्चुअली में धीरे धीरे करते हुए वी हैव एंटर्ड टू अ चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज. वी वर डूइंग फाइनेंशियल सर्विसेज बट यू मस्ट हैव सीन हमने कहाँ निकल आए हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हमने ब्रिज फाइनेंस कर लिया, सिक्योर्ड SPN कर लिया, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में हमने पैकिंग क्रेडिट्स कर लिया और फॉरफेटिंग. एक क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे, ग्रीन शू ऑप्शन, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. पढ़ा हुआ आपने? तो पढ़ाऊं छोड़ दूं? छोड़ दूं? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा, फिर कोई और पकड़ लूंगा. फिर यही करा दो ना. अच्छा नहीं, बहुतों को नहीं आता होगा. कितने बच्चों को नहीं आता, हाथ खड़े करो. ग्रीन शू ऑप्शन बाकियों को आता है? तो फिर खड़े होके कौन सुनाएगा? सुल्तान भाई को आता है? आ जा तू ना, बात करा था सुनाएगा भाई, तूने भी आता था, तू सुनाएगा? आता है लेकिन तुम बताओ. मैं कसम से कह रहा हूँ, ये ना एक सच्ची बता रहा हूँ, ये कई बार एक्चुअली में ऐसा हो जाता है. तो मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल में है, मैं बता रहा हूँ. तुझे जैसे ही देख रहे हो ना, मुझे बार बार ऐसे तेरे को देखते ऐसा लगता है मोरनी. पैरों को ही देख रही थी इसलिए, जैसे मैंने अभी देखा ना, तो
एकदम से दिमाग में आया मोरनी को खड़ा कर। हाँ जी, ग्रीन शू ऑप्शन कोई बताएगा? कोई आप में से खड़े होकर समझा सकता है? चल तू बता दे, तू तो कहने में बात है। आप बताओगे? ध्यान से सुनेंगे सारे। बैठो, मैं आपको ना इसका इन डेप्थ बताता हूँ, ठीक है? तो इसका इन डेप्थ बताता हूँ क्या होता है। देखो, आपको सबको मालूम है कि अब जो प्रोसेस है वो बुक बिल्डिंग है, ठीक है? मैं आपको ना इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, तुम्हें ये मालूम है ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो सुन लो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती है थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो क्या लोग थ्रू बिग बुक बिल्डिंग क्या बिडिंग करते हैं? बिडिंग सारी है। मान लो मेरे को जो इशू करना है वो कुल मिलाकर, जो मुझे इशू करना है ना कुल मिलाकर, मान लेते हैं कि वो है टोटल 50 लाख, बस इतने का इशू ले रहे हैं, और वो मैंने 10 रुपए ईच 5 लाख शेयर इशू कर लिए, तो मेरे को तो जो सब्सक्राइब चाहिए वो कितने का सब्सक्रिप्शन चाहिए? 5 लाख का। लेकिन जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हमें पता चला कि ये जो इशू है ये ओवर सब्सक्राइब होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मान लो 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह से अगर आ रहा हो, तो मुझे बस इतना बताओ क्या इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आएंगी? अच्छा, अब इसका होगा क्या वो समझ लेते हैं। पहले देखो, कंपनी को भी मालूम है, कंपनी को भी मालूम होता है कि जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जेन्युइन बायर्स कभी नहीं होते, दे आर नॉट द रिटेनर्स। कई लोग तो बुक बिल्डिंग में खरीदते ही इसलिए हैं ताकि जैसे ही जिस दिन उसकी लिस्टिंग होगी उसी दिन बेच देंगे। दे आर डूइंग दिस विद एन ऑब्जेक्टिव कि ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग हम इसको सेल कर देंगे। अब मुझे बताओ इसमें प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मान लो ये प्राइस खुला 300 पे क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब था, अगर ये खुला 300 पे, तो क्या लोग इंस्टेंट, जिनका ऑब्जेक्टिव ही क्या था खाली मेकिंग मनी, क्या वो 300 पे बेच के एग्जिट कर जाएंगे? और जब 300 पे प्रेशर आएगा सेल का, तो क्या ये वापस 200 पे आ जाएगा? फंसेगा कौन? जेन्युइन बायर, जिसने खरीदा था ये सोचकर कि वो रिटेन करेगा। क्या उसने 300 में लेकर 200 में बेचा, क्या वो फंस गया या नहीं? उसके हाथ में वो चीज तो गिर गई प्राइस। तो अब यहां पर हमें आर्टिफिशियल डिमांड को खत्म करना है, बिकॉज कंपनी को भी मालूम है कि जो ओवर सब्सक्राइब जो हो रहा है उसकी वजह आर्टिफिशियल डिमांड है, एक्चुअल बायर नहीं है ये आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करेगा, मार्केट में प्राइस अप करेगा, एग्जिट ले लेगा, प्राइस नीचे गिरा देगा, और फिर उसके बाद मेरा जेन्युइन शेयर होल्डर जो है वो परेशान हो जाएगा। अब मुझे एक सवाल पूछा गया, वो ये कि ये जो एक्सेस डिमांड आ रही है, क्या इसे रोकने के लिए क्या एक्सेस सप्लाई चाहिए? क्या स्टेबलाइज हो जाएगा या नहीं? इसका मतलब प्राइसेस मूव्स अप बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, एंड वो भी फेक डिमांड, वो भी देखो जेन्युइन डिमांड हो तो वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन कंपनीज को भी मालूम है कि ये फेक डिमांड है जो कि बाद में क्या होगा खत्म हो जाएगी एंड प्राइसेस वापस अपने लेवल पे गिर जाएंगे, तो ऐसे में जेन्युइन बायर फंस जाएगा। तो कंपनीज क्या करती है, इन एक्सेस डिमांड को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सेस सप्लाई लेकर आती है। क्या लेकर आती है? जिसके लिए ये लोग अपॉइंट करते हैं एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद प्रमोटर से शेयर्स जो लेकर वो उसको मार्केट में अलोंग विद योर इशू मार्केट में ले आता है। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इससे होगा क्या, क्या एक्सेस डिमांड आने से और एक्सेस सप्लाई के मैच होने से क्या प्राइस स्टेबल रहेंगे? अच्छा, जब प्राइस ने बंप करा ही नहीं, तो क्या जो भी डिफॉल्टर थे
क्या वो अब उन्होंने देखा ही नहीं प्राइस राइज, तो क्या वो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के बाद एग्जिट करेंगे? जब वो थोड़े से एग्जिट करेंगे तो क्या वो जो शेयर्स मार्केट में दोबारा आएंगे बिकने पर, क्या वो यही स्टेबलाइजिंग एजेंट दोबारा खरीद लेगा और वो उन शेयर्स को प्रमोटर को वापस कर देगा? क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सो द ऑब्जेक्ट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दोज हु आर द जेन्युइन शेयर होल्डर्स, क्या उनके लिए ये ग्रीन शू ऑप्शन बना दिया गया? क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सो दैट वॉज द इंटेंट बिहाइंड ग्रीन शू ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, आई होप सो द प्रोसेस इज क्लियर टू अस नाउ। एक स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट किया जाएगा, दैट मे बी अ मर्चेंट बैंकर इटसेल्फ। वो स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर से शेयर लेकर क्या करेगा, मार्केट में लेकर आएगा। जो भी पैसा उन शेयर को मार्केट में लाने से इकट्ठा होगा वो इसे एक सेपरेट अकाउंट में रखेगा। यस प्लीज। एंड देयर आफ्टर ये प्रोसेस चलेगी, वो मार्केट में जब प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा उस शेयर्स को वापस बायबैक करेगा, प्रमोटर्स को हैंडओवर करेगा, और वो जो बायबैक करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सेपरेट अकाउंट में जो पड़ा था उसे वो यूटिलाइज करेगा। क्या समझ आया या नहीं? दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन। लॉक करें इसको, पढ़ लेंगे अब आप इसको। वैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सिक्योरिटी लॉ में। चलो वैसे तो एक बात हूँ, सिक्योरिटी लॉ और फाइनेंस की थ्योरी इज ऑलमोस्ट सेम, इट्स एक्चुअली अ रिवीजन ऑफ योर सिक्योरिटी लॉस। बिकॉज हम जो भी पढ़ते हैं हमने नोटिस किया होगा ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम डेरिवेटिव तुमने बहुत लिमिटेड पढ़ा हुआ है, अदरवाइज डेरिवेटिव, फॉरेक्स एंड पोर्टफोलियोज, ये तीन चैप्टर अगर हम अलग से पढ़ लें तो वैसे सारी थ्योरी जो है आप लोगों ने पढ़ी होती है। ये आती हमारे को याद नहीं है, वो एक अलग बात है। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा एक नया चैप्टर आज। एक बात है, वैसे बोल मैं रहा हूं, थक मैं रहा हूं, मैं दर्द तुम्हारे को हो जाता है क्या? क्या कह रहे हो? चलो जी ये पेज नंबर निकालो जरा। अच्छा एक बात आओ, आपको ADR, IDR मालूम है, GDR, ये छुट्टी के चक्कर में भागने के चक्कर में मत बोलो मुझे। कह रहे लो फुल फॉर्म सुन लो मेरे से, ECBs, फिर मैं लगा दूंगा होमवर्क, मेरे को क्या जा रहा है। ठीक है, मैंने परसों सबसे सुन लेना है, पढ़ के आना इसको। चलो पेज नंबर 168 लास्ट है ये हमारा, लास्ट है भाई लास्ट, बोला ना लास्ट, चार लाइनों का है बस। क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड्स, ये भी पढ़ा हुआ है। मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि ये तुम्हें समझ नहीं आया था। क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड पेज नंबर 168 छठा पॉइंट देखो, सामने देखो जरा, क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड क्या होता है ये अब आपको वैसे समझ आ जाएगा क्योंकि SPN से जुड़ा हुआ पॉइंट है ये। सामने देखो, ये ना एक बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है एक, इस बॉन्ड के साथ ना स्ट्रिप्स लगी होती हैं, मान लो 10 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसके साथ, 10 स्ट्रिप्स, बॉन्ड की वैल्यू है ₹1,000। सुन लो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, समझ आएगी कि प्रैक्टिकली क्या है ये। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है ₹1,000, और इसके साथ ना ₹100 की 10 स्ट्रिप्स लगी हुई है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, और ये रिडम्पशन के समय पे तुम्हें ₹1,000 और देगा। इसके मतलब अगर तुम ये ₹1,000 का खरीद लो तो तुम्हें बेसिकली ₹2,000 मिलेगा, ₹100 तुम्हें हर साल मिलेगा बाय स्ट्रिप, स्ट्रिप फाड़ो जाओ ₹100 ले आओ, हर साल के एंड में स्ट्रिप फाड़ो जाओ ₹100 ले आओ। नहीं समझ आया तुम्हारे को ना?
राइट, 10 साल तक तो यही हो गया, और 10वें साल तुम्हें मिलेगा 1000 रुपया रिडम्पशन वैल्यू वापस। इन शॉर्ट इसमें जो इंटरेस्ट होता है ना वो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स होता है। इन फॉर्म ऑफ क्या होता है? स्ट्रिप्स। स्ट्रिप फाड़ो, जाओ ले आओ। क्या समझ आ रहा है? बोलो। क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड क्या कहते हैं? अगर कोई आदमी चाहे सारी स्ट्रिप फाड़ दे, 10 स्ट्रिप्स आ गई, और इस लड़की को मैंने बोला ये ले 10 स्ट्रिप्स तेरी हो गई, बोल कितने पैसे देती है? कहती 300 रुपए लेने हैं। मैंने कहा दे दे, डेफिनेटली ये प्रेजेंट वैल्यू देगी ना, एफएम वाले बच्चे हो यार, ये 1000 सोना दे देगी, 100 100 100 100 100 100 की प्रेजेंट वैल्यू इनटू पीवीएफ एंड देन रेट व्हाट शी डिजायर्स, शी विल पे दैट वैल्यू टू मी। कम ऑन यार, वैल्यू आ गई 300 350 जो भी आई। इसने बोला 350 रुपए दे सकती हूँ मैं, सारी स्ट्रिप्स मैं ले लेती हूँ, 350 ले लो। मैंने कहा 350 मैंने ले लिया, स्ट्रिप्स इसको दे दी। मेरे पास जो बॉन्ड बचा क्या वो विदाउट स्ट्रिप्स है? ये बन गया डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कैसे? कितने का बॉन्ड खरीदा था? 1000। स्ट्रिप्स कितने की बिक गई? मुझे बॉन्ड कितने का पड़ा? 650 का। क्या 650 का बॉन्ड पड़ा जिसकी रिडम्पशन वैल्यू 1000? दिस बिकम्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बन गया ये? इसका मतलब क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड बिकम्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड इफ यू डिटैच स्ट्रिप्स एंड सेल टू समवन एल्स। क्या समझ आया या नहीं? तो क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड बनाकर कंपनी डीप डिस्काउंट बॉन्ड में उसको कन्वर्ट करवा देती है। जिन लोगों को ऐसा भी करना है वो ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग दोनों की हो रही है। किसकी? स्ट्रिप्स की भी ट्रेडिंग हो रही है और बॉन्ड की भी सेपरेट ट्रेडिंग हो रही है। क्या समझ आ गया या नहीं? नहीं समझ आया तो पढ़ लो, मैंने तो पढ़ा दिया, तुम्हारी बारी है। समझ आया नहीं है? क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें। मजे नहीं आ रहे तुम्हारे को यार? क्या घर जाके क्या करोगे? मेरे तो घर में कोई है नहीं, मैंने क्या करना जाके। चलो मेरी बात सुनो, फिर आप एक काम करो, फिर मेरा आप ना टॉपिक लिखो जो आप खुद पढ़ के आना, लेकिन इस बार मैं आपसे सुनूंगा, पहले बता रहा हूँ। एक ईसीबी, जीडीआर, आईडीआर, एडीआर, एफसीसीबी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, आप इसमें से कोई भी अगर आपको नहीं समझ आएगा ना मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। और एक स्वेट इक्विटी शेयर, खून पसीने वाला, ये प्लीज ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप कर लोगे तो ये चैप्टर हमारा बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा। कमर्शियल पेपर्स भी पढ़ सकते हो आप, सीपीएस पढ़ा हुआ आपने? अरे हमने तो बुक की एग्जी को देख देख के बनाई है। देखा भैया तुमने क्या पढ़ा हुआ है, वही दे दो। एनीवेज करके आएंगे, और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन फाइनल में आते हैं, क्योंकि आईसीएसआई को लगता है कि एग्जी में आपने पता नहीं ढंग से पढ़ा नहीं, मेरा फाइनल में दोबारा पढ़ लेना, अरुण सर पढ़ा रहे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर रिमेनिंग संडे। क्या बात कर रहे हो, अभी भी बाल धुल सकते हैं, अभी भी सूख सकते हैं। मॉल्स तो जाते ही शाम को हैं 6 बजे के बाद। क्या बात, सुबह तो वैसे सोने का टाइम होता है, वो हम यूज कर लेते हैं।